तू सैंटा क्लॉज बनना यार चैप यू तेरे लाला सिंगल बाय सिंगल बाय सिंगल ऑल द वे Here's your Christmas tree. Now we are all set for the party. Thank you. Hey, Amit, Amit. मैंने तुझे बताया नहीं हमारी फ्रेंड आ रही है देहरादून से अनु. अनु? What a sweet name. मैं अभी आया. Excuse me. पागल है ये आदमी. निकी निकी. हाँ. तू Santa Claus बनती है क्या? तू पागल है क्या? मैं Santa Claus बन सकती हूँ क्या? Wish you a Merry Christmas. ये वाला लगाना. Hi girls. So tell me, how do I look? Please Amit. Forget it. अनु को बॉम्बे के मॉडर्न लड़के पसंद नहीं है उसे सीधे साधे लड़के अच्छे लगते हैं हाँ जो इंटेलिजेंट हो ए डफर अगर इसे इंटेलिजेंट लोग पसंद है ना तो वो तेरी दोस्त तो कभी नहीं बनती समझी तू डफर वो मेरी दोस्त है और हम उसकी चॉइस बहुत अच्छे से जानते हैं क्यों निकी एग्जैक्टली सो अमित डार्लिंग यू डोंट स्टैंड अ चांस लगी शर्त हाँ चल लग गई 500 की 1000 की तो तेरे 1000 रुपए तो समझ गए जब अच्छा क्या नाम बता अनु हाँ अनु अगर मुझे देखते ही अनु की हवा टाइट नहीं होगी ना तो मेरा नाम भी अमित नहीं समझे बाय द वे उसे सीधे साधे लोग पसंद है मैं भी आया हाँ अपने आप को अक्षय खन्ना समझता है अक्षय खन्ना फिर तो समझ वो 1000 रुपए मेरे हुए यार कैसे क्योंकि अनु ने मुझे कहा कि उसे अक्षय खन्ना पसंद Good evening. भाई क्या बात है तैयारी वारी हो रही है कुछ पार्टी वार्टी है हमारे घर में क्रिसमस पार्टी है हमारी फ्रेंड आ रही है देहरादून से मुझे बताने की जरूरत नहीं है लगता है इसे न्यूज मिल चुकी है देख नहीं रही कितना बंठन क्या है अरे नहीं यार वो मुझे डॉली ने बताया था कोई आने वाला है लेकिन वो लड़की का नाम नहीं बताया था अगर आपको नाम पता था तो आप यहाँ नहीं आते क्या है ना सो नॉटी यार आफ्टर ऑल मैं गुड नेबर ना मैंने सोचा आप लोग को तैयारी के लिए जरूरत पड़ेगी कुछ no, thank you. No, thank you. Exactly. हमारे घर में है ना वो अमित वो सब काम करता है अमित का नजर नहीं आ रहा वो घर पे नहीं है अरे ये आवाज कहाँ से आई कुनाल के घर से बुला रहा है वहाँ गया हाँ अंकल अंकल उसकी आवाज में ना दम है नहीं यार कमाल है अंकल आपने कहा था ना अगर हमें मदद की जरूरत हो तो हाँ हुक्म करना प्लीज प्लीज हमारी मदद करो हमें प्लीज अकेला छोड़ दो अरे यार नहीं हाँ वहाँ आपने घर में अच्छा अच्छा हाँ ओके ठीक है ठीक है अरे यार निकी हाँ जी वैसे तेरे पास मेरा मोबाइल नंबर तो है ना क्यों आप बाहर जा रहे हैं कहीं और नहीं भी मैं अब घर जाकर जॉगिंग करूंगा ना तो तुम्हें अगर जरूरत पड़ी तो तुम मोबाइल पे कांटेक्ट कर सकती हो ना कर देंगे हाँ आप प्लीज जाता हूँ ओके बाय 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 सॉरी सॉरी यार लगता है खन्नू अनु पे लाइन मारने आया था नमस्कार मैं कैसा लग रहा हूँ अबे तू ये क्या पहन के आया है क्या पहन के आया अरे इंडिया की नेशनल कॉस्ट्यूम पहन के आया भाई और फिर तुमने तो कहा था ना कि अनु को सीधे साधे लोग पसंद है इससे सीधा तो मैं कभी बन ही नहीं सकता ना अबे डफर मुझे डफर बोलता है हम लोग मजाक कर रहे थे बच्चे के साथ इतना घिनौना मजाक मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा जाओ अरे हरिया हरिया वो नीचे बैग पड़ा है जिसमें चावल है था ऊपर ले आओ दो हमारे पे है वो क्या है ना कि जो हमारा सर्वेंट है उसको हकलाने की बड़ी आदत है इसके लिए द द द द पे ही अटक गया था मालिकों के मुंह लग गया कम ऑन आउट आउट प्लीज सिट ओह आई एम सो टायर्ड मुझे एक बात बता हाँ चावल लाने की क्या जरूरत हाँ क्या जरूरत थी हमारे घर में खाना ऑलरेडी बन गया देहरादून के लंबे बासमती चावल हैं इतने अच्छे मैंने सोचा दो क्विंटल लेके चले दो क्विंटल अरे चावल अरे कोई हाथ अरे कहेंगे मैं चावल तो नहीं टूटे हैं चावल अमित अमित ये अकड़ा हुआ इडियट ये हमेशा अकड़ा रहता है इडियट
झगड़ा करना बंद करोगे इसका कोई इलाज भी ढूंढोगे? मेरे पास एक फैंटास्टिक इलाज है। तेरे पास? हाँ, उस दिन ना मैंने एक अच्छी हिंदी फिल्म देखी थी जिसमें निरुपा रॉय पत्थर से टकराई और उसकी याददाश्त वापस आ गई। तो अब मैं तुझे 1,00,000 मारूंगी और तेरी पीठ ठीक हो जाएगी। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा टडडम टडडम। हाय हाय, आई एम अनु, आई एम कन्नु। राखी और निकी अपने अपने रूम में हैं। लेकिन आप तो बाहर हैं। आप आइए ना। चलिए ना। बैठिए। आप बड़ी शर्मीली हैं। आप भी कितने शर्मीले हैं। चुटी। आ, 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 बहुत बोल रही थी। हमारा नौकर हकलाता है। अमित, और हम कर भी क्या सकते थे ना, वी आर सॉरी। हाँ, हरिया जैसे कपड़े पहनोगे तो लोग तुम्हें हरिया ही तो बुलाएंगे। अरे तुझे मालूम है ये बंगाल का नेशनल कॉस्ट्यूम है? और फिर तुम दोनों ने तो कहा था कि उसे सीधे साधे नौजवान पसंद है। इंडो चाइना वॉर चल रही है। चीनी फौजी पहाड़ की उस तरफ से हमारे देश की तरफ इस तरह बढ़ रहे थे जैसे 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 आप मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। स्मार्ट मालदार लड़के पसंद है। फिर तो उसे अमित बहुत पसंद आया होगा। क्यों? क्योंकि अमित ने इतना माल जो उठाया। बच्चों में क्या, मेरी हवा टाइट है और तुम दोनों को मजाक सूझ रहा है। मेरी रेजिमेंट के पूरे के पूरे फौजी मारे गए तो मैंने अपने बंकर में से अपनी बंदूक निकाली और मैं उन चीनी फौजियों की तरफ ऐसे बढ़ा। अभी तू ना अच्छे कपड़े पहन के बाहर आ जा। हाँ, नए गेटअप में। और हम तुझे अनु के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे। न्यू लॉन्च करेंगे तुझे। ऐसे बड़ा? ऐसे बड़ा? जैसे हम आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है। खाना अंकल। ओए यार निकी, कितनी बार तुझे कहा तो मुझे अंकल मत बुलाया कर। तू बाहर से मुझे खाना नहीं बुला सकती? कैसे चलेंगे? कोई खास काम? ओ भाई, आपने कहा था ना अनु जी आ रही हैं तो मैंने इसलिए प्यार से अपने हाथों से खीर वीर बनाई है। थैंक यू फॉर द खीर, रख दीजिए। निकी, तुम्हें पता है मिस्टर खन्ना ने चाइना की पूरी आर्मी को अकेले भगा दिया था? अच्छा? अनु जी, ये मेरी लड़ाई के किस्से तो कई बार सुन चुके हैं। एग्जैक्टली, लास्ट टाइम जब अमित की फ्रेंड आई थी ना रोजी, तब इन्होंने पाकिस्तानी की आर्मी को भगाया था। तो चले। कहाँ? हाँ, ये मुझे अपनी वॉर की एल्बम दिखाने ले जा रहे हैं। हाँ, भाई वो बॉर्डर पे जो फोटो खींचे था वो दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ। आप बॉर्डर पे लड़ाई करने गए थे या फोटो खींचने गए थे? ओ राखी यार, मैं तो लड़ाई कर रहा था लेकिन फोटो तो कोई और खींच रहा था ना। चल चल चल। अनु, खाना? हम जल्द ही आ जाएंगे। हमें ज्यादा वक्त लगेगा, अभी आते हैं। दिल तो पागल है, दिल दीवार। ओए, तुम लोग की वो दोस्त पिच अनु कहाँ गई? वो दोस्त अब हमारी दोस्त नहीं रही। तुम्हारी दोस्त नहीं रही, मतलब क्या तुम्हारा? वो खन्नू की दोस्त हो गई है। खन्ने की दोस्त? अरे लेकिन वो गई कहाँ है? वो खन्नू के साथ इंडो चाइना बॉर्डर पे गई है। इंडो चाइना बॉर्डर? ए अमित, क्या बे? कुछ करना यार प्लीज। कुछ करना यार प्लीज? आहा, सुबह से जब मुझे हरिया बनाकर रखा था तब क्या हो गया था, अब क्यों आई हो मेरे पास? हाँ अमित, तू सोचना यार, खनु अनु के साथ क्या क्या कर रहा होगा। ये तो मैं बिना सोचे बता सकती हूँ। देताले। ए अमित, प्लीज 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 यार, प्लीज यार। कुछ नहीं करूंगा मैं, पहले जाके दरवाजा तो खोल यार। अनु होगी ना? पता नहीं कौन सा मुंह लेके आई होगी खनु। दिल तो पागल है। मोटे हेलो हाय गाइस। निकी, तू इतनी डिप्रेस्ड क्यों लग रही हो?
वो क्या है ना कि तेरी शक्ल अन्नू से नहीं मिलती ना इसलिए अन्नू Who is this Annu? This Annu is Mr. Khannu's new girlfriend. Yeah, Khanna ki nayi girlfriend. Please, mazak chhod Amit, kuch kar yaar. Kya? Isme mazak ki kya baat hai yaar? Pichle 2 ghante se akele Mr. Khanna ke saath ghar mein ghusi hui hai. Uski girlfriend hi hui na kyun hai ki nahi? Wo Khanna ke ghar mein? Haan, wo bhi 2 ghante se. इसीलिए उस खन्ना के दरवाजे के बाहर से कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। कुनाल कैसी आवाज आ रही थी? मैं बताऊं। इधर इधर आ यार। इंडो चाइना वॉर की आवाजें होंगी। हाँ हाँ हाँ, ऐसा लग रहा था कि चीनी सैनिक दर्द से चिल्ला रहे हैं। तभी तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। रिलैक्स, बता मुझे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कुनाल कि अनु मेरी सहेली है और वो खनु के घर में है यार। वो पता नहीं क्या कर रहा होगा उसके यहाँ पे। क्या कर रहा होगा? अरे अनु भी तो खनु के पीछे पड़ गई थी। एग्जैक्टली यार, प्रॉब्लम उसकी थोड़ी ना थी, खनु भी जो उसमें झूठ पे झूठ बोली जा रहा था। वैसे एक आइडिया है मेरे पास। मेरे प्यारे अमित, बोलना यार। बोलू? बोलना यार। बोलू? बोल यार। ठीक है, नहीं बोलता। बोलता। देख, as because Khannu is after Annu and Annu is after Khannu, एक तरीका है जिसे उनकी मोहब्बत को चकनाचूर किया जा सकता है। पत्थर से। मिस्टर खन्ना की मिसेस खन्ना को यहाँ लाके। अमित घोंचू, मिसेस खन्ना को मरे हुए 20 साल हो चुके हैं। अरे तो क्या हो गया, मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते क्या? अरे अगर अमित की आंटी यहाँ सकती है तो मिसेस खन्ना यहाँ क्यों नहीं आ सकती? अमित, हाँ, तू मिसेस खन्ना को कब्र से उठाकर यहाँ लाने वाला है क्या? अरे यार मुझे बता, ये कब सुधरेगी? मैं उसे कैसे भी करके यहाँ पे लाऊं, लेकिन तुझे क्या फर्क पड़ता है? देख, अगर मिसेस खन्ना यहाँ आ गए ना अन्नू के सामने, तो अन्नू खुद खन्नू को लात मार के भगा डालेगी। एक सेकेंड, अगर मिसेस खन्ना जिंदा नहीं है तो ये सरासर झूठ है, और अगर ये झूठ है तो इट इज नॉट फेयर। शट अप, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। वैसे अमित, हाँ, ये आइडिया बुरा नहीं है यार। क्या करूं, आइडिया मेरा है ना इसलिए। और मिसेस खन्ना को लाने की जिम्मेदारी मेरी। बाय। अरे नहीं रहेगा यार, वहां डाला। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अबे क्या सैंटा क्लॉज के गेटअप में आया है? मालूम भी है कि सैंटा क्लॉज हमेशा देने आता है और तू हमेशा लेने आता है ना? और चुप भाई, मैं देने के लिए आया हूँ। आज क्रिसमस का मूड है और मैं तुम लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया हूँ। अरे रहने दे, हमारे पास तुम्हारे लिए उससे भी बड़ी खुशखबरी है ना गाइस। हाय राखी, हाय निकी, हाय अनु, कैसी रही तेरी इंडो चाइना की लड़ाई? लड़ाई मेरी जिंदगी में तो खन्नू इज द ब्रेवेस्ट मैन। अनु, मीट अनदर ब्रेव मैन। ही इज हैंडसम, कितना चार्मिंग है, और इसी को शादी भी नहीं हुई, यू नो। ही इज माय सेल्फ अमित। हाय, मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिल गया। राजकुमार? रियली? मिस्टर खन्ना। ये तो विलन रंजीत है। रंजीत सैनिक क्लास के गेटअप में पहचानने में नहीं आ रहे हैं। और चुप भाई, डोंट ट्राई टू बी ओवर फ्रेंडली विद मी। अब जरा खुशखबरी सुनो। बता दो डाली। बता दो। हम दोनों ने फैसला किया। क्या? हम दोनों शादी करने जा रहे हैं। सुनो, आज की शाम की पार्टी का खाना मेरी तरफ से। खाना तैयार है ना? क्या फ्रॉड यार। ए बुड्ढे, एक एक थाली का हिसाब लूंगा मैं। हाँ ओए, ले ले यार। राखी, और तू स्टार्ट कर रहा म्यूजिक यार, लेट अस गो ऑन द पार्टी यार। उसको
जानो यार। आंटी आंटी क्या डांस करती हो आप, इस उम्र में भी क्या लटके और झटके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, हमारी शादी हो गई। शादी शादी गई भाड़ में। पहले मुझे बताओ ये कौन है? ये कौन है तू? अंकल आपने आंटी को नहीं पहचाना? आंटी ये तो मुझे कुणाल की आंटी लग रही है। वो ऐसे ही है, थोड़ी सी शराब का बीड़ी अपने खुद के बीवी को भूल गया। तुमने तो मुझसे कहा कि तुम्हारी बीवी को मर के 20 साल हो गए। ये किसकी बीवी है? मिस्टर खन्नू, मर गई तुम्हारी अन्नु। तूने तो खन्ना की छुट्टी चढ़ा दी एकदम यार। नुन्नू मेरी बीवी। अमित 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 मुझे बचा। बता रहा है मेरी साथ मुझे छोड़ दे क्या? नुन्नू वो किधर थी तू? आया 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 आया